बिहार में ठंड का कहर लगातार जारी है। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हैं मौसम विज्ञानी डीके भारती। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आखिर क्या कारण है कि बिहार में काफी दिनों से लगातार जो है वो ठंड का प्रकोप जारी है? ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो सतह पर जो हवा है वो हवा का रुख उत्तर पश्चिम या पश्चिम है और फॉग जो है कंटिन्यू कर रहा है। अभी हम फॉग की बात करते हैं, आपको मैं एक छवि भी दिखा रहा हूँ सैटेलाइट से, इमेज से। अब ये देखिए कि ये जो है वो कोहरा को दिखा रहा है, ये जो है कोहरा है और अभी तो करीब 2 बजने का बज रहा है। अभी कोहरा बहुत हद तक जो है पार हो चुका है और कुछ जगहों में यानी उत्तर पश्चिम बिहार, मध्य बिहार और दक्षिण पश्चिम बिहार में अभी भी बहुत सारे जगहों पर कोहरा छाया हुआ है, जिस वजह से अब ये सब जगह का जो है अधिकतम तापमान में ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी और ये शाम ढलते ही लगभग 11-12 बजे के रात के बाद से ही जो है कोहरा छाना शुरू हो जाता है और पूरे जो है कोहरा प्रदेश में छा जाता है और यहाँ तक कि विजिबिलिटी जो दृश्यता है वो किसी किसी शहर में तो 60-70 मीटर तक देखी जा रही है। जो हमारा रिपोर्ट आ रहा है वो 60-70 मीटर तक विजिबिलिटी जा रहा है और कुछ जगहों में विजिबिलिटी जो है 1 से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के आसपास रह रहा है। फॉग के वजह से धूप सही समय पे नहीं हो पाती है जिसके वजह से अधिकतम तापमान में वृद्धि नहीं हो रही है। सर, ये जो और एक रीजन है कि अभी हमारे यहाँ जैसे कि मध्य बिहार या पश्चिम बिहार में जो विंड का जो रुख है वो उत्तर पश्चिम या पश्चिम है और पूर्वी बिहार का अगर बात करें जैसे पूर्णिया वगैरह सीमांचल का एरिया में इधर जो है उत्तर पूर्व का भी हवा का प्रभाव हो रहा है, यानी दोनों हवा के समागम से ये फॉग का जो है निर्माण हो रहा है, यानी ये रेडिएशन फॉग इसको कहा जाता है, ये रेडिएशन फॉग है। सर, ये ठंड का जो असर है बिहार में ये अब और कितने दिनों तक जो है ठंड से जो है लोगों को राहत मिलने की संभावना हो सकती है? हाँ, जो अभी ट्रेंड जो चल रहा है तो हमको उम्मीद लगता है कि 3-4 दिन बाद जो है धीरे धीरे टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी क्योंकि स्काई क्लियर रहेगा और टेम्परेचर जो है गिरेगा, यानी 9 डिग्री के आसपास अनुमान है। तो ये थे हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डीके भारती, जिनका कहना है कि पूरे ठंड से जो निजात है आम लोगों को वो कम से कम 4 से 5 दिनों के बाद ही मिल पाएगी। कैमरामैन प्रभात के साथ शक्ति, लाइव 7 पटना।